दर्शकों नमस्कार, खबर फतेहपुर चौरासी बांगरमऊ उन्नाव से, जहां किशोरी को मारी गई गोली, घायल अवस्था में जिला अस्पताल रेफर। थाना फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के एक गांव में घर के अंदर आग ताप रही किशोरी को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। घायल रूप से घायल किशोरी को परिजनों ने सीएससी में भर्ती कराया। किशोरी की हालत गंभीर देख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के गांव सकरौली निवासी इंद्रपाल की लगभग 16 वर्षीय पुत्री शालिनी शनिवार शाम 7 बजे घर के अंदर आग ताप रही थी तथा उसकी एक बहन खाना बना रही थी। तभी अज्ञात ने घर के अंदर घुसकर आग ताप रही शालिनी के ऊपर तमंचे से फायर कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोली सामने से शालिनी के गले पर लगी। फायर की आवाज़ सुनकर परिजन व आसपास के लोग दौड़े, मौके पर पहुंचे। घायल के माता पिता गांव में बने दूसरे मकान में थे। परिजन घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद परिजन घटना से संबंधित कोई भी जानकारी देने से कतराते रहे। वहीं विश्वस्त सूत्रों की माने तो किशोरी के गोली प्रेम प्रसंग चलते मारने की जानकारी मिल रही है। वहीं पुलिस घटना की जांच कर तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। बांगरमऊ उन्नाव से वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद इरफान खान की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर भी नवीक समाचार दैनिक। फोन तेरे जब बात करने लगे तब वही का गोली दगे जीते भैया था छोट वाला हमारे एक भैया है तो पहला कि जब गोली दगी हम दौड़त है हम कही का है मम्मी मर गए तब हम दौड़त है कहला मम्मी भैया को देखो हम कही साल की लगभग एक लड़की आई हुई है तो क्या घटना हुई है उसके साथ। हाँ, शालिनी नाम की लड़की, पिता का नाम इंद्रपाल और ग्राम सकरौली फतेहपुर चौरासी का मरी जाए, उसको गोली लगी थी गर्दन में और उसका प्राथमिक उपचार करके उन्नाव रेफर कर दिया है। गोली किस टाइप से लगी है उसके? गोली का मतलब एंट्री वुंड और एक्सिट वुंड दोनों हैं उसमें जी। तो ये है कि पास से ही गोली मारी गई और छर्रे भी लगे हुए हैं। तो एज क्या होगी उसकी लड़की की? एज लगभग 16 साल है। तो हालत कैसी है उसकी? हालत अभी तो फिलहाल अभी तो ये है कि हालत ठीक लग रही थी, आगे कुछ कह नहीं सकते। एंट्री और ये जो है ये है मल्टीपल वो विजन लगाई है ना डरावना, ये एक्सटर्नल नॉच हो गया और 7 सेंटीमीटर अबव एम्लाइकस एट 1 o'clock पोजीशन ठीक है। ये है, ये है 1.5 सेंटीमीटर लिया साहब यहाँ लिख ली हो जाए आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज डिजिटल पार्टनर नवीक समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।